हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वीवीए प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो वीवीए प्रोग्रामिंग को लेकर के पहला प्रोग्राम, बहुत ही इनिशियल स्टेज का, यानी हेलो वर्ड प्रिंट कराने का पहला प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लीजिए, फिर यहाँ पर आपको व्यू दिखाई पड़ेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 में यूज कर रहा हूं और यहाँ पर व्यू पे करिए क्लिक। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल वन बाई डिफॉल्ट आ जाता है। चलिए टेबल वन ही रहने देते हैं। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, जो भी चीज देनी है, वो चीज दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट इस तरीके से, और फिर यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। और फिर चलिए इतना ही रखते हैं, अभी इसको सेव करते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ये सेव हो गया। अब यहाँ पर कोई चीज आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक स्टूडेंट का नेम अगर टाइप करना है, आईडी तो खुद से आएगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम वगैरह दे सकते हैं आप। चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो अब हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर चल करके और फिर यहाँ से फॉर्म विजार्ड से जाऊंगा मैं, और फॉर्म विजार्ड से आप चाहे तो ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इन दोनों जो फील्ड्स हैं इनको ले लिया हमने और यहाँ पे रख करके, और फिर इसको जैसे भी आपको रखना हो कॉलमर फॉर्म में या जैसे भी, आप यहाँ पर जाकर मॉडिफाई डिजाइन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो है फॉर्म आपका तैयार होकर के आपके सामने आएगा। ये यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से लाइक ये, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से इसको छोटा कर लेते हैं। और हम चाहे तो इसको इधर की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जाइए, इसको छोटा करिए, आईडी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए और इन दोनों को थोड़ा और इस तरीके से लेके आ जाइए। ये हो गया। अब ये जो हेडर पोर्शन है इसको ऊपर कर देता हूँ। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर भी मैं करने वाला हूँ चेंज। तो चलिए बैकग्राउंड का कलर भी कर देते हैं चेंज। पहले ये नेम ऑफ स्टूडेंट का कॉलम छोटा कर लेता हूँ फिर, और इसको यहाँ रख लिया। अब यहाँ पर क्लिक करूंगा और अब बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे जा करके और फिर यहाँ से आकर के और जा करके आप चेंज कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करने की पूरी छूट है, यहाँ से जाकर के आप चेंज कर लें। लाइक अगर ये कलर देना चाहते हो तो यही कलर दे दीजिए। तो ये हमने दो चीजें कर ली हैं। अब हमें डिजाइन पे जाना है, अब हमें वीवीए कोड लिखना है। तो यहाँ पर बटन पे जाऊंगा और यहाँ ड्रैग करूंगा जैसे ही, तो एक नई विंडो खुल करके आएगी जिसको हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर वो कोड हमें लिखना है। हम एक चाहते हैं मैसेज बॉक्स बनाना, जिस मैसेज बॉक्स में हम जो देंगे वैल्यू वो चीजें यहाँ पर प्रिंट होकर आए, ठीक है। तो यहां से हमें कहां चलना है, यहां से हमें चलना है बिल्ट इवेंट पे और यहां से कोड बिल्डर पे चलेंगे, ठीक है। अब कोड बिल्डर जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा। अब यहां पर हमें टाइप करना है एमएसजी बॉक्स। क्या टाइप करना है? एमएसजी बॉक्स इस तरीके से टाइप कर दीजिए। और एमएसजी बॉक्स टाइप करने के बाद यहां पर टाइप करता हूं हेलो सूरज सर, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और अब इस डब्ल्यूटेड कोड्स को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, अब ये काम हो गया हमारा। अब इसको आप सेव कर सकते हैं, ये सेव कर दिया मैंने। और अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ MEWSAGE मैसेज बॉक्स। तो ये इस तरीके से मैसेज बॉक्स मैंने लिख दिया है। यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर भी बदल सकते हैं आप। लाइक यहाँ पर ब्लैक कलर अगर देना चाहते हो तो पहले इसे ब्लैक बना देता हूँ, फिर इसे बोल्ड बना देता हूँ और कलर इसका रेड कर देता हूँ मैं। यहाँ से चल करके इसको रेड कलर दे दिया और दैट्स इट, हो गया। अब इसको यहाँ से छोटा कर लिया मैंने, यहाँ से इसको छोटा कर लिया, हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो ये सेव भी कर लिया हमने। अब हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं व्यू पे, तो ये देख सकते हैं एक मैसेज बॉक्स नाम से ये डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो यू आर विद सूरज सर। अगर आप ये कॉमा हटाना चाहते हैं तो आपको वापस वही मैसेज बॉक्स में जाना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर यहाँ से राइट क्लिक करके हम चलते हैं डिजाइन व्यू पर। और अगर आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर बिल्ड इवेंट पे जाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। तो अगर आपको कॉमा हटाना हो तो यहाँ से कॉमा हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये कॉमा हटा दिया हमने और ये गैपिंग भी आप रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, जितना चाहे। इस तरीके से इसे हटा दिया और यहां से इसे भी हटा देंगे,
तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सेव कर देता हूं और फिर अब हमें इस पे जाना है, यहां पे क्लिक करना है। तो ये हमारा बॉक्स दिख रहा है VBA कोड वाला। अब यहां से इसको थोड़ा बड़ा करता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए ये लिखा हुआ रहा है हेलो यू आर विद सूरज सर। तो इस तरीके से आप अपना VBA का पहला प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे बना सकते हैं बहुत ही इजीली। आगे चल करके और भी वीडियोस इस पे बनाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू।